हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जिगर शुक्ला है और आज हम कक्षा 10 महाराष्ट्र बोर्ड कंपोजिट हिंदी वालों के लिए चैप्टर 6 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ऐसा भी होता है। इसके राइटर हैं अभिषेक जैन। इसको लिखने का जो तरीका है वो जापानीज है, इसको हाइकू बोलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। गरजे मेघ सहम कर कांपी कच्ची दीवार, जब बादल बरसे, बादल जब गरज रहे थे तो जो कच्ची दीवारें हैं वो सहम कर कांप गई, डर उठी। मतलब कि जब बारिश आती है तो गरीब लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अघर। रवि यानी सूर्य, वो अपनी निर्मल किरणों से ये धरती को जो है वो अद्भुत गिफ्ट दे रहा है, कोई अद्भुत उपहार दे रहा है। आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद में, तो जो किरणें हैं वो थकी हारी वो धरा की गोद में आके पसर गई है। बेसिकली सुबह हो गई है, कवि उसको अच्छे से बताना चाहता है लिटरेचर के वे में। खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने, तो सपने अक्सर खुली आंखों से ही देखे जाते हैं। बंद आंखों से देखे वो सपने हमारे बस में नहीं होते, पर वो सपने बंद हैं, मतलब उनको पूरा करने की आज़ादी नहीं मिली है। तो कवि हमें ये बताना चाहता है कि किस तरह से हम सपने तो देखते हैं पर उन्हें पूरा करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु, तो जब पेड़ कट जाते हैं, तरु मतलब पेड़, तो उनका आशियाना उजड़ जाता है। किन का? पक्षियों का घर, आशियाना मतलब उनका घर जो है वो उजड़ जाता है, तो इस वजह से पक्षी जो है वो रोते हैं। बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन, बच्चे पतंग के जैसे होते हैं जिनकी डोर माँ बाप के हाथ में होती है और वो गगन को छूते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं वो गगन नहीं छूएंगे, क्योंकि डोर पकड़ने वाला ही कोई नहीं है, तो वो एक न एक दिन कहीं ना कहीं जाकर दूर गिर जाएंगे। तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का, कि जो तन है वो मिट्टी का है तो गुमान क्यों रखना, गुमान मतलब अभिमान, प्राउड रखना, गर्व क्यों है, किस बात का गर्व है तुम्हें इस कद काठी का, यानी ये शरीर का, ये जो कद है इतना लंबा चौड़ा जो शरीर है उसका क्या फायदा है, इसका क्या गुमान है, इसका इतना घमंड क्यों है, ये क्यों रखना, एक दिन तो मिट्टी का बना है तो मिट्टी में मिल जाएगा। उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु, तो जब पक्षी जो है पेड़ से उड़ गया तो वो पेड़ ठगा सा यानी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे ठग लिया हो, वैसे देखता रह गया। कवि ये कहना चाहता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी लोग, बहुत सारी चीज़ें अक्सर हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो हमें भी ऐसी ही फीलिंग आती है कि जैसे हमको ठग लिया गया है। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला, जो डाकिया है वो अपने झोले में चिट्ठियां बांटने के लिए चलता है, लेकिन कुछ चिट्ठियों में अच्छी खबरें होती है, कुछ चिट्ठियों में बुरी खबरें होती हैं, तो अच्छी खबरें हैं तो सुख बांट रहा है, बुरी खबरें हैं तो दुख बांट रहा है। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी कैसे हो बेटा, तो एक माँ ने चिट्ठी लिखी है अपने बेटे को जो कि वृद्धाश्रम में रहती है कि बेटा तुम कैसे हो। माँ तो माँ होती है, भले ही बेटा उसे वृद्धाश्रम छोड़ाया हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी लूट गया मैं, तो बेटा बोलता है कि मेरे संस्कार की तिजोरी में तो चोरी हो गई, मैं लूट चुका हूँ, क्योंकि अगर चोरी नहीं हुई होती तो उसकी माँ वृद्धाश्रम में नहीं होती। चलिए तो इसी के साथ ये हाइकू ख़त्म होती है। पीछे के जो शब्द संसार करने हैं, कृतियाँ पूर्ण करनी है, उचित शब्द जो इनके लिए लिखने हैं, भाषा बिंदु करना है, ये काल है, हमने वैसे तो पढ़े हैं काल, लेकिन एक बार फिर से मैं अपलोड भी करूँगा वीडियोज़ में। फिर मेरा प्रिय त्यौहार पर एक निबंध लिखना है आपको। इसके अलावा इसमें जितने भी पैराग्राफ दिए हुए हैं, जो छोटे छोटे जो पंक्तियाँ दी हुई है, उनका सरल शब्दों में तुम्हें अर्थ लिखना है जैसे मैं समझा रहा था। चलिए तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।